आज हम कर्व लाइन और जिगजैग लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ करके जिगजैग और कर्व लाइन बनाएंगे, ठीक है। ओके, आपके बुक में देखिए पेज नंबर सिक्स। लुक एट द मॉन्स्टर हेयर, आर दे सेम आर डिफरेंट? जस्ट लाइक देयर हेयर, लाइन्स आर डिफरेंट टू। सम लाइन आर वेवी एंड सम आर कर्ली। दीज लाइन आर कॉल्ड कर्व लाइन्स। ओके, पेज नंबर 7 में देखिए, यहाँ एक एलियन जो कि पतंग उड़ाना चाहता है पर उसकी रस्सी छोटी है, उसकी रस्सी को इन बिंदुओं के माध्यम से मिलाते हुए हम पतंग तक ले जाएंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बनाएंगे, कर्व लाइन बनाते हुए लेके जाएंगे, ठीक है। ये है कर्ली। ओके, क्या है ये, कर्ली। ऐसे इस तरह से मिलाते हुए, इन बिंदुओं को मिलाते हुए आपस में इस तरह से पतंग तक ले जाते हैं, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। अब नीचे देखिए, आपका यहाँ है ये मगरमच्छ है, ठीक है। और ये मगरमच्छ यहाँ पे पेड़ है और उसके पेड़ तक पहुँचना चाहता है, उस पेड़ तक वो पहुँचना चाहता है पर नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसे भी हम इन डॉट्स को मिलाते हुए, इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम उसे उस पेड़ तक ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस डॉट को मिलाते हुए और एक के बाद फिर से ये बनती जा रहा है। कौन सा है ये, कौन सा शेप है, कौन सा लाइन है, ये है वेवी लाइन, घाटी की तरह ये बनते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से घाटी बनाते हुए हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे आपस में, तो ये घाटी बनेगी, वेव बनेगा और इस तरह से ये इस पेड़ तक हम इसे पहुंचाएंगे, ठीक है। इस तरह से धीरे 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 इन बिंदुओं को मिलाएंगे और इस पेड़ तक लाएंगे। ओके, ठीक है। अब ये देखिए पेज नंबर 8, ठीक है। पेज नंबर 8 में यहाँ पर ट्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे कलर करना है, पोस्टल कलर करना है या फिर क्रायंस से इसे कलर करना है, ठीक है। ट्रेस करना है, ये जो रिबन है, रिबन दिख रहा है, इस रिबन को हम कलर करते हुए इस तरह से कलर फिल करेंगे, ठीक है। और ये भी कौन सा शेप बना है, वेवी शेप। ओके, और ये जो है ऑक्टोपस में ये रहता है ना, कर्ली टाइप का है ना, तो इसमें हम लोग इस कर्ली रिबन को जो कर्ली है और इसे हम कलर फिल करते हुए पूरे में इस तरह से हम ले जाएंगे, पूरे में कलर फिल करेंगे, ठीक है। ये है आपके बुक में पेज नंबर 8, ठीक है। पेज नंबर 8 इसे आप लोग फिल करेंगे, ठीक, आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक में, और आप लोग फिल करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। इस तरह से अब फिर से दूसरी तरफ का भी इस तरह से, एक क्या, कौन सा शेप है ये, कौन सा लाइन है, कौन सी लाइन है, ये कर्ली लाइन है, कर्ली लाइन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, कर्व, ठीक है, कर्ली है इसलिए इसको बोलते हैं कर्व, ठीक है। और वेवी लाइन को भी कर्व ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस तरह से ये है पेज नंबर 9 में, ये आपका जिगजैग, ठीक है, जिगजैग लाइंस, ठीक। तो लाइन दैट गो अप एंड डाउन आर कॉल्ड जिगजैग लाइंस। जो अप एंड डाउन लाइन होता है उसे जिगजैग बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम जिगजैग बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। तो ये आपका क्या बन गया, जिगजैग, ठीक है। अब देखिए आप अपने पेज नंबर 10 में भी इसी तरह से इसका रिकैप है, ठीक है। और यहाँ
कुछ बर्थडे पार्टी वगैरह चल रहा है ऐसा लग रहा है ना, तो यहाँ पे भी जिग जैग ही बनाना है, ठीक है। जॉइन द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर्स, कलर द पिक्चर्स विथ ऑयल पेस्टल्स एंड आर क्रायंस, ठीक है। तो इसको या तो आप पोस्टल कलर से करेंगे या क्रायंस से करेंगे। तो यहाँ पे जो डॉट है उसको इस तरह से जिग जैग बनेगा, है ना, बिंदुओं को मिलाएंगे तो जिग जैग बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक एक बिंदुओं को मिलाते हुए, ठीक, और अलग अलग कलर से, ठीक है, अलग अलग कलर से। मेरे पास मोम वाला क्रायंस है तो मैं उसमें कर रही हूँ, ठीक। ये फिर से आ गया है, बिंदुओं को फिर से यहाँ पे मिलाते हुए हम जिग जैग कर आकार देते हुए इसे बनाएंगे। इस केक को जिग जैग का आकार देते हुए डेकोरेशन करेंगे इसका, ठीक है। और ये हो गया हमारा जिग जैग। अब इसमें ये देखिए कैंडल में भी जिग जैग का के लिए बिंदु दिया हुआ है, और अब केक को डेकोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम केक को सजाएंगे, ठीक है, और पहले उसमें जो जिग जैग है उसमें कलर फिल करेंगे, ठीक है, इस तरह से कलर फिल करेंगे, ओके। इस तरह से एक एक करके सभी में कलर भरेंगे, ठीक है, इस तरह से। और कैंडल में भी इस तरह से ग्रीन कलर, ठीक है, ये हो गया कैंडल में भी ग्रीन कलर, हमने इसे डेकोर किया। अब इस केक को भी सजाएंगे, ठीक है, इसमें हम कलर करेंगे, केक को सजाएंगे कलर करके, ओके। इस तरह से केक हम सजा लिए, ठीक है, तो आप लोग भी बनाइए। अब केक को हम लोग क्रीम लगाएंगे, है ना। केक आजकल बहुत लोगों को ब्लैक कलर पसंद आता है ना, ब्लैक कलर का डेकोरेशन केक में अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पे ब्लैक कलर में कर रहे हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगता है आपका फेवरेट कलर भी आप लोग इसमें सजा सकते हैं, ठीक है, फेवरेट कलर से आप लोग इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने फेवरेट कलर से इसको कलर कर लीजिए केक को, ठीक, क्योंकि आपका केक है ना। और इसके बाद पूरा को कलर कर लेंगे। उसके बाद पेज नंबर 11 से लेकर के 14 तक आप लोगों का ये होमवर्क है ना, ये भी शेप का ही है ना, डॉट्स लाइन एंड शेप्स। तो ये इसको आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। और ये देखिए ऊपर में भी हमने जो तोरण था है ना, उस तोरण को क्या करेंगे, सजाएंगे, ठीक है। इसे हमने आउटलाइन दिया हुआ था, ठीक है, और इसमें हमने रंग नहीं भरा था, तो इसमें एक के बाद एक इसमें रंग भर सकते हैं, ठीक है, इसमें रंग भर लेंगे, है ना। जिग जैग शेप दिया हमने, अब इसमें रंग भर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी भर लेंगे रंग इसमें और पूरा सजावट करेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप करते जाएंगे, रंग भरते जाएंगे, ठीक है। अपने फेवरेट कलर ले सकते हैं आप लोग, अलग अलग कलर से भी आप लोग डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और एक बार फिर बोल रही हूँ, 11, 12, 13, 14 इसमें शेप्स हैं, और इसे आप लोग अपनी बुक में कर लेना, ठीक है। तब हम नेक्स्ट क्लास में मैं और दूसरे शेप का मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्क्वायर शेप का बताऊंगी, ठीक। तो आज के लिए ये हमने देखा क्या था आज का हमारा, जिग जैग और कर्व लाइन, ठीक है। तो ये हमारा आज का एक्टिविटी यहीं कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोग मुझे बनाएंगे और भेजेंगे, ठीक है। इस तरह से बाय।